अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, ओ हो हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिव्या सिंह है और मैं करीब 15 साल से आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आप पूछेंगे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता क्या है। तो अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और कुछ नहीं, बस एक टीचिंग मेथड है, एक टीचिंग टेक्निक है, या कहिए इंस्ट्रक्शंस देने की एक अप्रोच है क्लासरूम में टीचर के द्वारा। जो एक्ट ऑफ टीचिंग होता है, इसी को अंग्रेजी में एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं पेडागॉजी, या हिंदी में आप कहते हैं इसको अध्यापन कला। अब हम समझते हैं इस पेडागॉजी में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या है जो इसको दूसरी पेडागॉजी से अलग बनाता है। तो ये पेडागॉजी जो है, ये पूरी तरह से बच्चों पे फोकस करती है। इसको स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागॉजी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो टीचिंग होती है, इसमें जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्लास के बच्चों की क्या इंटरेस्ट हैं, इनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, और उसके हिसाब से ही वो अपना टीचिंग मटेरियल और टीचिंग स्टाइल चूज करेंगे। उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसा किस तरह से क्लास का एटमॉस्फेयर क्रिएट करूं कि बच्चों की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो और वो सबसे ज़्यादा स्किल्स सीख पाएं। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि इसमें बच्चे जो हैं कुछ एक्टिविटीज़ करके, एक्सपेरिमेंट्स करके सीखते हैं। जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें टीचर्स बच्चों को एक्टिविटीज़ में एंगेज कर देती हैं, तो वो खुद के अनुभव से सीखते हैं, वो रट के या याद करके नहीं सीखते हैं। अब क्योंकि आप जब कोई चीज़ अनुभव करके सीखते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहती है, आप उसको आसानी से नहीं भूलते हैं, और इसीलिए इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके लर्न किया हुआ। क्योंकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हैं, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका भी है कोई चीज़ को पढ़ने का और समझने का। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें यह हो सकता है, जनरली क्या होता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट में यूज़ किया जा सकता है, बट इसका एक जो उद्देश्य होता है, वो टीचर का ये होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ हम पढ़ रहे हों जो रियल लाइफ से जुड़ी हो, कोई रियल चैलेंजेस से जुड़ी हो, तो टीचर चाहते हैं कि बच्चे खुद उनके बारे में सोचें, बजाय इसके कि बस जो टेक्स्ट बुक में रखा है टीचर उसको पढ़ दे और बच्चे उसको सुन लें। जैसे फ़र्ज़ करिए, एक प्रॉब्लम है कि हम कैसे पॉल्यूशन को कम करें, बजाय ये बताने के कि ये चार तरीके हैं जिससे आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, टीचर क्या कर सकती है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, यानी कि सोचने की क्षमता को डेवलप करने के लिए, टीचर बोल सकती है कि आप जो बच्चे हैं, मैं आपको ग्रुप में डिवाइड कर देती हूँ। सपोज क्लास में 20 बच्चे हैं, तो टीचर 5 ग्रुप बना सकती है और उन बच्चों को बोले कि अब आप जो है, आप इस ग्रुप में इस पर स्टडी करिए, रिसर्च करिए, और मुझे एक हफ्ते बाद बताइएगा कि कैसे हम अपने सिटी के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, बच्चों एक सिंपल से टॉपिक से बच्चों में बहुत सारे स्किल्स डेवलप होंगे। क्या क्या डेवलप होंगे? एक तो वो रिसर्च करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, किसी टूल का, जैसे हो सकता है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीख जाए। अब वो अपना जो रिपोर्ट है वो, उसका डेटा लिखने के लिए कुछ माइक्रोसॉफ्ट सूट का यूज़ करने लग जाए, एक्सेल का इस्तेमाल करें, प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करें, साथ में वो कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी डेवलप कर लेंगे, जैसे कि टीम में काम करना। अब क्योंकि ग्रुप्स बनाए हैं, तो उनको टीम में काम करना पड़ेगा, काम बांट के काम करना पड़ेगा, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे कोलैबोरेट करना सीखते हैं, यानी कि आपसी सहयोग से काम करना सीखते हैं। बच्चे टाइम फ्रेम के अंदर काम करना सीखते हैं। अब टीचर ने बोल दिया एक हफ्ते का टाइम है, तो बच्चे पूरी कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर उनकी वो रिपोर्ट तैयार हो जाए। तो वो खुद ही सोच रहे हैं, खुद ही एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं,
तो इससे उनकी बहुत अच्छे से लर्निंग होती है और जो रिसर्च वो करके लाएंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, बच्चों में ये स्किल्स डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल लाइफ के बाद जो रियल लाइफ होती है उसमें रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो उनको ये समझाना शुरू से ही, छोटी क्लासेस से ही उनके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक, यानी कि जब लाइफ में कोई बड़ा सा चैलेंज आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, हमें क्या अप्रोच यूज़ करनी चाहिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा होगा कई बार होता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे जो स्कूल में 90% मार्क्स लेकर आए थे, लेकिन रियल लाइफ के चैलेंजेस में वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एकेडमिक्स में जो जब पढ़ाई पूरी तरह एकेडमिक्स बेस्ड होती है, यानी कि उसमें सिर्फ ये होता है कि आप बुक से पढ़ लीजिए और मार्क्स ले आइए तो अच्छा है, तो उसमें क्या होता है, नॉलेज तो आपने गेन करी है लेकिन उसको कहाँ अप्लाई करें ये तो हमने सीखा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्हीं सब टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही इफेक्टिव टीचिंग मेथड है। तो जब इसको क्लासरूम में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है अपने फ्यूचर में रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करने में। तो पहला एग्जाम्पल है, हाउ कैन वी सेव वाटर। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर क्लास के बच्चों के लिए सूटेबल है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर करता है, यानी कि इस क्वेश्चन से बच्चे सोचना शुरू करते हैं। तो हाउ कैन वी सेव वाटर से देखिए कौन कौन से स्किल्स बच्चों में डेवलप हो रहे हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे, वो अंडरस्टैंड, अब देखिए सब्जेक्ट मैटर भी समझ रहे हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारी प्राकृतिक संपत्ति क्या होती है, ठीक है। जैसे कि पानी जो है हमारी प्राकृतिक संपत्ति है, इसे हमें बचाना चाहिए, अब हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चे अपने अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से सोचेंगे और अपने आइडियाज़ जो हैं क्लास टीचर के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल है, क्रिएट अ हेल्थ रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अब देखिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसमें साइंस और मैथ सब इंटीग्रेट हो रहा है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। अब क्योंकि ये रिपोर्ट है तो रिपोर्ट तो प्रेजेंट की जाएगी, हो सकता है टीचर बोले कि पूरी क्लास के सामने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करिए या फिर सिर्फ टीचर के सामने प्रेजेंट करिए। तो ये एक मैनेजमेंट स्किल है जो कि शुरू से ही क्लास के थ्रू ही धीरे धीरे जो है एनहांस हो सकता है। तो बच्चे जो हैं फिर स्टेज पर जाने से हिचकेंगे नहीं, बहुत सारे ऑडियंस के सामने खड़े होने से हिचकिचाएंगे नहीं, अगर शुरू से ही क्लास में ही ये प्रेजेंटेशन के स्किल्स उनके अंदर धीरे धीरे डाल दिए जाएंगे। इसमें मैम जो हैं या फिर जो सर हैं वो आपको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि हाइट कैसे मेजर कर सकते हैं और वेट कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइट को आप सेंटीमीटर, इंचेस और फीट में मेजर करेंगे और वेट को आप ग्राम्स या किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। तो हाइट और वेट का कॉन्सेप्ट भी बच्चे सीख रहे हैं और साथ में वो एक रिपोर्ट बनाने की स्किल्स भी सीख रहे हैं। वो इसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, अगर थोड़ी बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं तो वो चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ठीक है, ये भी जो है एक प्रोजेक्ट को ट्रिगर करने वाली एक सिचुएशन है, ये एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। अगर क्लास टीचर चाहते हैं कि मैं एक ऐसा टॉपिक क्लास में प्रेजेंट करूँ जिससे कि है बच्चे जो है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर काम करना सीखें, कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम करना सीखें और साथ में जो है जो करिकुलम का जो कंटेंट है वो भी कवर हो जाए, तो टीचर इस टॉपिक को उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है कि लर्न अबाउट एनिमल हैबिटेट्स एंड फॉर्म ओपिनियंस अबाउट विच हैबिटेट इज बेस्ट सूटेड फॉर अ सिलेक्टेड एनिमल। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसको एक प्रोजेक्ट का रूप दिया जा सकता है, बच्चे इसमें एक्टिविटी करके काम कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके इस टॉपिक के माध्यम से बच्चे ना केवल ये सीखेंगे कि किस तरह के लाइफ फॉर्म्स होती हैं, यानी कि पानी के अंदर कैसे जानवर रहते हैं, धरती पे कैसे जानवर रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनके जो कुदरती घर हैं वो ऐसे क्यों हैं, मछलियाँ पानी में ही क्यों रहती हैं, बाहर क्यों नहीं रह पाती, तो इस तरह का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उनके अंदर डेवलप होना शुरू होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको जो है टीचर क्लास में शुरू कर सकती है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू। अब हम पढ़ते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के स्टेप्स, ठीक है, कि
कि जब एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को कैसे शुरू किया जाता है और कैसे ख़त्म किया जाता है, इसको एक क्लासरूम में किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हम उसके स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम टू सॉल्व और अ क्वेश्चन टू आंसर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है, ठीक है, उससे हम क्या लर्निंग करना चाहते हैं, या फिर एक कोई ऐसी प्रॉब्लम है क्या जो मैं चाहती हूँ कि बच्चे प्रोजेक्ट के थ्रू सॉल्व करें, यानी कि कुछ एक्टिविटीज़ करके सॉल्व करें या कोई प्रैक्टिकल करके सॉल्व करें, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, तो ये होता है पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है, डिफाइनिंग अ प्लान। अब देखिए कोई भी अगर हमको गोल अचीव करना है, कोई भी अगर हमें लक्ष्य हासिल करना है, तो एक प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के कोई भी काम हम अचीव नहीं कर सकते। तो एक बार जब हमने तय कर लिया कि ये कॉन्सेप्ट है या ये स्किल है जो मैंने बच्चों को सिखाना है, तो अब टीचर उसकी प्लानिंग करती है कि क्या ये स्किल मैं बच्चों को 3 दिन में पूरा करवा सकती हूँ, या मुझे किस तरह की एक्टिविटीज़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि बच्चे इसको सीख जाएँ। तो टीचर एक प्लानिंग कर सकती है कि क्या मैं किसी दिन बच्चों को जू में ले जा सकती हूँ असली में एनिमल्स दिखाने के लिए, किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं वो दिखाने के लिए। तो ये पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप, फिक्सिंग अ टाइम फ्रेम। ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता, उसमें एक टाइम लिमिट ज़रूर होती है। तो प्रोजेक्ट बेसिकली देखिए क्या है, प्रोजेक्ट होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि कुछ गतिविधियाँ जिनको करके आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक टाइम लिमिट के अंदर। अगला स्टेप है एक्सप्लोर आइडियाज़। तो एक बार जब हमने क्या सीखना है वो तय कर लिया, प्लानिंग कर ली और जो है टाइम भी सेट कर लिया, तो अब बच्चों से आइडियाज़ मांगे जाएंगे। मतलब टीचर ने अब जो है वो प्रॉब्लम बच्चों के सामने रख दी या वो क्वेश्चन बच्चों के सामने रख दिया है, तो अब एक्सप्लोर आइडियाज़ यानी कि उसके बारे में बच्चों के विचार पता लगाइए कि बच्चे क्या सोचते हैं। अगला है मॉनिटर द स्टूडेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि अब जब बच्चे काम करना शुरू कर चुके हैं उस प्रोजेक्ट पर या उस एक्सपेरिमेंट पर या टीचर ने जो भी एक्टिविटीज़ उनके लिए तय करी हैं, जब वो उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं, तो अब उनको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि बच्चे सही दिशा में जा भी रहे हैं कि नहीं। उसके बाद होता है असेस द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपने जब ये पूरी एक्टिविटीज़ एज पर प्लान जो भी हमने योजना बनाई थी, जब उसके हिसाब से पूरा रेडी हो गया है, जो भी हमें काम करना था, जब प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, जब वो टाइम लिमिट ख़त्म हो गया है, तो अब टीचर आखिरी दिन में आपसे बोलेगी कि चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपने इसको किस तरह से किया है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो करने का। और लास्ट है रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। ठीक है, अब जनरली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि जब भी बच्चे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर पता लगाते हैं रिसर्च के द्वारा या आपस में डिबेट करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, तो उसके बाद जो है ज़्यादातर ये होता है कि उनको ना एक ऑडियंस के सामने अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, मतलब उन्होंने उस पर जितना भी काम किया है, अब वो किसी को पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएं कि किस तरह से उन्होंने वो जो है चैलेंज जो उनको दिया गया था, एक प्रॉब्लम दी गई थी या एक क्वेश्चन दिया गया था, उसको कैसे पूरा किया। और उसके ऊपर जो टीचर हैं या जो ऑडियंस हैं वो फीडबैक देते हैं कि ये अच्छा था या क्या ये और बेहतर हो सकता था, या आप इसको किसी और तरीके से करते तो शायद इसके परिणाम और अच्छे आते, इस तरीके से। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें एक क्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, एक आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू टीचर ने बहुत ही खूबसूरती से बच्चों को, छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट सिखाया। तो देखिए क्या आप ये देख सकते हैं, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर देखा होगा। और अब मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इस सिंपल सी चीज़ से टीचर ने अपनी प्राइमरी क्लास को मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से समझा दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने, ये जो अभी आपने चित्र देखे ना, और मैंने जो आपको छोटा सा आर्ट एंड क्राफ्ट का जो प्रोजेक्ट दिखाया, उसको असल में हम लोग अंग्रेजी में बंटिंग कहते हैं और हिंदी में ध्वज पट्टी कहते हैं। तो देखिए इससे कितने सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो गए। इसीलिए ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इंटीग्रेटेड लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए मैथ्स और आर्ट दोनों जो है इंटीग्रेट हो गए, यानी कि मिल गए। आर्ट के माध्यम से
टीचर ने बच्चों को गणित के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए मैथ्स के, तो इससे जाहिर सी बात है इस ध्वज पट्टी से बच्चों ने ट्राइंगल्स के बारे में यानी कि त्रिभुज के बारे में सीखा। प्राइमरी क्लास के बच्चों को अलग अलग तरीके के त्रिभुज वो समझ में आ गए। अब इस बंटिंग के उदाहरण की मदद से हम देखते हैं कि इसमें टीचर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी कि ऐसा उनका बच्चों को क्या सिखाने का उद्देश्य था इस पूरी एक्टिविटी के द्वारा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। जाहिर सी बात है इस बंटिंग में त्रिभुज बनाए गए हैं, तो टीचर ने पहले क्या किया होगा, बच्चों को अलग अलग तरीके के त्रिभुज का नाम बताया होगा, वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो समझाया होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, कौन सा त्रिभुज किस तरीके का होता है वो समझाया होगा। तो इसमें दूसरा अगर आप देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग आइसोसेलस ट्राइंगल, कि बच्चे अपनी सोच से अपनी समझ से एक बार जब टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद अब वो खुद सोच के बताएं कि इस बंटिंग के लिए सबसे बेहतरीन ट्राइंगल कौन सा होगा। तीसरा है मेकिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफरेंट पैटर्न्स। अब देखिए इसी एक्टिविटी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के लिए और रोचक बनाने के लिए टीचर बोल सकती है कि अब जो आपने अपनी बंटिंग बनाई है, ठीक है, ये जो आपने अपनी बंटिंग बनाई है इसके अंदर जो है कुछ पैटर्न बनाइए। जब पूरी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो ये गेम की तरह हो जाएगा। अब टीचर जब एक ग्रुप के बच्चों को सामने बुला के बोलेंगी प्रेजेंट करने के लिए और वो अपनी बंटिंग दिखाएंगे तो बाकी क्लास के लिए गेम की तरह हो जाएगा। अब वो इसमें गेस करेंगे कि इस पैटर्न में क्या है। तो देखिए इससे ये गेम की तरह इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, तो बच्चे बोर भी नहीं होते और एक नए नए कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं। अगला है टू इनेबल देम टू लर्न इन ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्किंग इन ग्रुप्स यानी कि टीम वर्क। बच्चे जो अब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, उनकी लड़ाई हो सकती है, तो जब लेकिन टीचर ग्रुप्स बना के काम कराएंगी तो वो आपसी सहयोग से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना सीखेंगे। और लास्ट में है टू डेवलप स्किल्स लाइक टीम वर्क कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि हर एक ग्रुप के में जब ये एक्टिविटी होगी हर ग्रुप अपनी अपनी बंटिंग बनाएगा तो उसमें उनको आपसी सहयोग से काम करना आएगा, टीम वर्क कोलैबोरेट करके, और ये सारे स्किल्स जो हैं उनके अंदर खेल खेल में ही डेवलप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफाइन अ प्लान एंड फिक्स टाइम फ्रेम। अब हम देखते हैं इस केस में टीचर ने क्या प्लानिंग करी। तो इस केस में टीचर ने प्लानिंग करा कि हम एक प्री असेसमेंट करेंगे। ट्राइंगल्स के बारे में समझाने से पहले मैं देखूंगी कि क्या बच्चों को लाइंस के बारे में पता है कि लाइन कैसे बनाई जाती है, उनको शेप्स के बारे में पता है कि नहीं। तो ये एक प्री असेसमेंट हो गया कि एक नए टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा पुराना टॉपिक मैं दोहराऊंगी। उनके प्लान में दूसरा आता है कि उन्होंने सोचा है कि मैं जो है बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगी। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको चार या पांच बच्चों का एक ग्रुप बना के डिवाइड कर दूंगी। तीसरा उनका प्लान में आता है कि आई विल डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ईच ग्रुप मेंबर। अब देखिए बंटिंग बनानी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उन बच्चों में ओनरशिप की ट्रेट लाने के लिए कि उनके अंदर ओनरशिप वो महसूस करें। तो सपोज करिए एक ग्रुप में चार बच्चे हैं, तो टीचर क्या बोल सकती हैं कि एक बच्चा जो है वो सारा मटीरियल लाएगा, यानी कि कलरफुल पेपर ले आएगा, सीजर ले आएगा, टेप ले आएगा, ग्लू स्टिक ले आएगा, दूसरा बच्चा जो है उसको कट करेगा, तीसरा बच्चा जो है फाइल पे काम करेगा कि हम, और जो चौथा बच्चा है वो एक तरह की प्रेजेंटेशन बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा कि हमने इसमें कैसे काम किया। तो डेलीगेशन होता है प्रतिनिधि बनाना, पूरा जो काम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ताकि वो जल्दी हो जाए और सभी लोग एंगेज हों। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चा सारा काम करता जा रहा है और बाकी के बच्चे बोर हो रहे हैं या उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें हमें क्या करना है। तो अगर डेलीगेशन नहीं होगी तो बच्चे इसमें समझ नहीं पाएंगे और पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो ये जो था टीचर का प्लान था, और उन्होंने ये भी बोला है कि इस प्रोजेक्ट को मुझे 6 दिन में ख़त्म करना है, यानी कि मैं 6 क्लासेस में या 6 पीरियड्स में अपने इन क्लास के बच्चों को ट्राइंगल्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगी। तो उन्होंने टाइम फ्रेम भी फिक्स कर दिया है। अब नेक्स्ट फेज है हमारा, स्टेप 4 है कि एक्सप्लोर आइडियाज़, यानी कि बच्चों के विचारों को समझें। अब इस फेज़ में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे टीचर बोलेगी कि अब भाई ये बंटिंग बनानी है और मैंने आपको अलग अलग तरीके के ट्राइंगल्स बताई दिए हैं कि किस किस तरीके के त्रिभुज होते हैं, अब आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा फिट बैठेगा।
ठीक है। तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, अब टीचर डायरेक्टली नहीं बता रही है, वो उनसे पूछ रही है, तो इससे बच्चे सोचेंगे, वो कंपेयर करेंगे कि मैंने जितने भी तरीके के ट्राइंगल अभी तक पढ़ लिए हैं उनमें से इस बंटिंग में सबसे सही कौन सा बैठेगा, ठीक है। उसके बाद अब जो है इसमें एक और इंटरेस्टिंग काम हो सकता है, अब सपोज करिए टीचर बोले कि भाई हमें जो है ना ये बंटिंग बनानी है और अपनी क्लास को सजाना है इन बंटिंग से, ठीक है। तो आप जो है दीवार को नाप लीजिए और उतनी बड़ी बंटिंग बनाइएगा, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेस है ना ट्राइंगल का, जो त्रिभुज का जो बेस है वो होना चाहिए करिए 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इससे बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे मेजरमेंट सीख रहे हैं। ऐसे शायद बच्चा कभी भी ज़िंदगी में हाथ में मेजरिंग टेप को हाथ ना लगाए, लेकिन इस एक्टिविटी की वजह से वो दीवार नापेंगे और उनको इससे ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अब मुझे कितने ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे कि मेरी पूरी बंटिंग जो है दीवार को कवर कर जाए। और लास्ट में क्या है, अब वो पैटर्न्स टू बी यूज्ड, अब इसमें जो है एक डिस्कशन जो है ये भी चल सकता है कि भाई हम अपनी बंटिंग पे कौन सा पैटर्न बनाएं, तो कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो आपने देखा कि एक छोटी सी एक्टिविटी, इतनी साधारण सी दिखने वाली बंटिंग क्लास में कितना कमाल कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब क्लास में काम पूरे जोर शोर से चल रहा है, ठीक है। तो अब जो टीचर का काम होता है ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, वो सीधा इंस्ट्रक्शन देने का नहीं होता, टीचर का रोल इसमें फैसिलिटेटर की तरह होता है, एक गाइड की तरह होता है, एक कोच की तरह होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि टीचर का रोल कैसा होता है, एक गाइड की तरह, फैसिलिटेटर की तरह, ठीक है ना। तो अब टीचर को ना बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे जो काम कर रहे हैं वो मेरे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसी के हिसाब से कर रहे हैं ना, वो कुछ और तो नहीं करने लग जा रहे, और क्या मेरा जो प्रोजेक्ट वर्क जो ये काम कर रहे हैं वो सही दिशा में बढ़ रहा है कि नहीं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, सी हाउ स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन ग्रुप्स। अब देखिए इसमें लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो रही है, वो देखेंगे बच्चे टीम वर्क में काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, कोलैबोरेट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरा है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना, टीचर उनको बोलेगी कि भाई एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो। अब देखिए अब इस तरह की जो अब जब वो सपोज करिए कि पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टीचर उनको इसी के द्वारा समझा सकती हैं कि एक दूसरे का ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए। अगर आपका जो सहपाठी है आपको कुछ बोल रहा है तो पहले आप उसकी बात को पूरा होने दीजिए, लिसनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, रिस्पेक्ट करिए, डिसिप्लिन लाइए। तो ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं ना, ये इस एक्टिविटी के द्वारा ही बच्चों के अंदर इंकल्केट होते हैं, वो सीखते हैं। अगला है कि स्टूडेंट्स ड्रॉ ट्राइंगल्स यूजिंग प्रॉपर मेजरमेंट एंड कट देम ऑन बेसिस ऑफ पैटर्न डिसाइडेड, ठीक है। तो ये तो आसान है कि बच्चे जो हैं ट्राइंगल्स को कट करते हैं, तो ये टीचर को बस ध्यान रखना है कि वो सही तरह से कटिंग कर रहे हैं कि नहीं, सही मेजरमेंट ले रहे हैं कि नहीं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, इस तरह से बस टीचर मॉनिटरिंग का काम करते हैं इस फेज में। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए करीब आखिरी स्टेप पे, ये क्या है, रिफ्लेक्शन एंड फीडबैक। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप सोच रहे होंगे इस छोटी सी बंटिंग के अंदर टीचर क्या ही सवाल पूछ लेंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइमरी क्लास के बच्चों से इसी छोटे से आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्टिविटी के द्वारा बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं क्या, अब देखिए रिफ्लेक्शन और फीडबैक क्या है। रिफ्लेक्शन यानी कि बच्चों ने जो भी काम किया है अब वो सबके सामने लाकर प्रस्तुत करना। वन मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप प्रेजेंट्स द वर्क दे परफॉर्म्ड एज अ टीम। तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो अपने टीम के बिहाफ पे जाके क्लास के सामने खड़े होकर उस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है। टीचर कैन आस्क क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड्स फीडबैक। अब जैसे टीचर पूछ सकती है कि अच्छा आपने आपकी जो बंटिंग है वो इस दीवार पर है, आपने कितने ट्राइंगल्स यूज करे, ठीक है, वो बंटिंग बनाने के लिए, उस दीवार को सजाने के लिए। फिर कैन यू रिप्लेस आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एनी अदर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अब टीचर पूछेगी कि आपने जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल ही क्यों यूज़ किया, आप कोई और भी तो यूज़ कर सकते थे, आपने क्यों नहीं यूज़ किया। तो देखिए इस सवाल जवाब में बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद अब वो टीचर बोले कि अच्छा सपोज करिए आइसोसेलेस ट्राइंगल हटा दें और कोई और लगा दें, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह की दिखेगी, क्या इसके पैटर्न में कुछ बदलाव आ जाएगा, क्या ये अच्छी नहीं दिखेगी। इस तरीके के सवाल टीचर जो है रिफ्लेक्शन और फीडबैक के फेज में पूछ सकती हैं, ताकि बच्चों की नॉलेज और डीपर हो और एनहांस हो। हाउ विल इट इम्पैक्ट द डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन, यानी कि अगर मैं किसी और तरीके का ट्राइंगल इस्तेमाल करूँ
तो इससे क्या मेरी मेजरमेंट में फ़र्क पड़ जाएगा या मेरे डिज़ाइन में फ़र्क पड़ जाएगा? तो देखिए, इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू बच्चे ना केवल अपने सब्जेक्ट का कंटेंट सीखे बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें खेल खेल में एक्टिविटी करते करते सीख गए। एक बार जल्दी से हम देखते हैं कि बच्चों ने इसमें क्या क्या सीखा, इसके लर्निंग के आउटकम्स क्या आए, जल्दी से देखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमने जो भी पढ़ा उससे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। कम से कम आपको एक समझ आ गई होगी कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इसको क्यों करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको किसी भी लर्निंग प्रोसेस में किस तरीके से हम डाल सकते हैं। अब चलिए आपकी बारी। अब मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देती हूँ जिसको आप करने की कोशिश करिएगा। तो आपके लिए असाइनमेंट ये है, आपके लिए एक प्रोजेक्ट है कि आप अपनी एक स्कूल की मैगजीन प्लान करें, एक मंथली मैगजीन, ठीक है? आपके स्कूल्स में वैसे होती होगी शायद, जिसमें आप जो है अपने एक महीने के अंदर आपके स्कूल में क्या क्या हुआ है उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको कुछ हिंट देती हूँ जो कि इस प्रकार है। टास्क फोर्स यानी कि पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक आप एक ग्रुप बनाएंगे जो लोग इस पे काम करेंगे। जैसे कि एक ग्रुप होगा जो जाके स्कूल के और बच्चों से बातचीत करेगा, उनको एनकरेज करेगा कि भाई हम जो है उनको बताएगा कि भाई हमें एक ना स्कूल की मैगजीन बनाने वाले हैं, हमें एक मैगजीन छापनी है और हमें पिछले एक महीने में जो जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ या इवेंट्स या एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिशन्स हुए हैं उसके बारे में स्कूल मैगजीन में डालना है। और आप देखिए, कई बच्चे ना स्कूल में बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे कुछ बच्चे पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे कुछ न्यूज़ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी कुकरी करते हैं, तो आप उनको भी एंकरेज करेंगे। ये जो टास्क फोर्स है, ये जो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, उनको एंकरेज करेंगे कि भाई प्लीज़ अपनी अपनी जो है ना एंट्रीज हमको दो। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें तीन तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744, 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे becpcddprogram@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर, गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।